नमस्कार। तो आज आप हम अशोक लेलैंड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। अशोक लेलैंड में फ्राइडे के दिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि इस वीक में गिरावट नज़र आई थी। 230 पे रेजिस्टेंस लेके मोमेंटम चेंज हो गई थी, पर तो फ्राइडे के दिन स्टॉक ने अच्छी रिकवरी की। तकरीबन फिर भी ऊपर जाते वक्त वॉल्यूम थोड़े पॉजिटिव चाहे, उतनी खास वॉल्यूम नज़र नहीं आई। वॉल्यूम तो पॉजिटिव थे ही, पर इतने स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी के साथ नज़र नहीं आए। अगर 225 लेवल को ब्रेकआउट मिलेगा तो 230 तक जाएगा, और 230 पे लास्ट टाइम भी रेजिस्टेंस लिया था, तब डोजी कैंडल फॉर्म हो गई थी। जब भी डोजी कैंडल कोई हाई के साथ फॉर्म होती है तो मोमेंटम चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते, अगर लो के साथ होती है तो वहाँ पे भी मोमेंटम चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। न्यूज़ देखोगे तो कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है रिगार्डिंग अशोक लेलैंड, पर अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो थोड़े वॉल्यूम इम्प्रूव होने चाहिए। वॉल्यूम इम्प्रूव नहीं होंगे तो स्टॉक में मोमेंटम और भी वीक बनती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ अपडेट नहीं है रिगार्डिंग अशोक लेलैंड स्टॉक।